नमस्कार विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 11 और हमारा जो विषय है अनिवार्य हिंदी। अनिवार्य हिंदी का हमारी जो पाठ्यपुस्तक है आरोह भाग एक, उसके गद्य भाग का, और गद्य भाग का हमारा जो तीसरा अध्याय है सत्यजीत राय द्वारा जो लिखा गया है अप्पू के साथ 2.5 साल, तो आज हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो ये सत्यजीत राय कौन थे और इन्होंने किस क्षेत्र में लेखन किया है, तो उसकी जानकारी अपने पहले पढ़ लेते हैं। अब देखिए, पटकथा 16 के साक्षात्कार से लिया गया, ये अच्छी तकनीक वह है जिसका इस्तेमाल दिखाई न पड़े, तो इनके द्वारा ही कहा गया वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यजीत राय कौन हैं? तो सत्यजीत राय का जो जन्म है सन 1921 में कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। इनके द्वारा जो लिखी प्रमुख फिल्में हैं अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसाघर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पथेर पांचाली बांग्ला में, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति हिंदी में ये। इनके द्वारा जो लिखी प्रमुख रचनाएं हैं प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि, ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं। और इनको जो प्रमुख सम्मान मिले हैं वे हैं फ्रांस का लेजेंड डी ऑनर, पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान इनको प्राप्त हुआ है। अब इनकी मृत्यु सन 1992 में हुई। अब ये भारतीय सिनेमा से संबंधित ज़्यादा रहे हैं, तो इसी कारण से इनको जो है फिल्म जगत के जो महत्वपूर्ण सम्मान थे वो प्राप्त हुए हैं। अब भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय अगली कतार में हैं। इनके निर्देशन में पहली बार फीचर फिल्म पथेर पांचाली बांग्ला 1995 में प्रदर्शित हुई थी 1955 में प्रदर्शित हुई थी। अब देखिए, इनके द्वारा जो लिखी गई जो पहली फिल्म थी, निर्देशित जो पहली फिल्म है फीचर फिल्म पथेर पांचाली, जो कि बांग्ला में है, 1955 में प्रदर्शित हुई थी। उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया। अब देखिए, अब 30 के लगभग इन्होंने जो फीचर फिल्म है वो बनाई हैं, और इन फिल्मों के जरिए इन्होंने जो फिल्म विधा है तो उसको समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया है। ध्यान देने की बात है कि इनकी ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित हैं। अब देखिए, जो भी इन्होंने फिल्में बनाई हैं ना, वो साहित्यिक कृतियों पर आधारित हैं। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल हैं। अब इन्होंने जो फिल्में बनाई हैं, तो इनके जो पसंदीदा साहित्यकार थे वो बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय और हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल हैं। फिल्मों के पटकथा लेखन, संगीत संयोजन एंड निर्देशन के अलावा राय ने बांग्ला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत ही संजीदगी के साथ किया है। अब केवल इन्होंने फिल्में ही नहीं लिखी हैं, फिल्मों के लिए पटकथा ही नहीं लिखी है, संगीत संयोजन या निर्देशन ही नहीं किया, बल्कि जो बांग्ला में बच्चों व किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत ही संजीदगी के साथ किया है। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी का सहज संसार भी है। अब इन्होंने जो कहानियाँ लिखी हैं उसमें जासूसी रोमांच तो है ही, साथ ही साथ जो पेड़ पौधे हैं और पशु पक्षी हैं उनका सहज संसार भी इन्होंने उसमें प्रस्तुत किया है। अब जो हमारा अध्याय इसमें संकलित किया गया है अप्पू के साथ 2.5 साल, अब ये एक संस्मरण है तो जिसका हम अध्ययन करेंगे इसमें। तो अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है। अब जो पहली फिल्म इन्होंने बनाई थी ना 1955 में
निर्देशित हुई थी। तो पथेर पांचाली जो बांग्ला की भाषा जो फिल्म थी, तो उसके जो अनुभव थे उनसे संबंधित है ये, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुंधियाती हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। अब देखिए, जो फिल्मी दुनिया है वो हमें हर प्रकार से आकर्षित करती है अपनी ओर, लेकिन उसका एक सच भी है जो इसके माध्यम से हमारे सामने आता है कि जिसमें साधनहीनता के बीच, कि साधन नहीं है उसके बाद भी अपनी जो कलात्मक दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है इसमें। इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल से विलास गीते ने किया है। अब ये बांग्ला मूल है जो बांग्ला भाषा में लिखा गया था। पाथेर पांचाली जो हमने पढ़ा है कि बांग्ला भाषा की फिल्म थी ये, तो उसमें से ये जो भाषा रूपांतरण किया गया है वो विलास गीते ने किया है। किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबुझ पहेली होती है। अबुझ, जिसको बूझा नहीं जा सकता, जिसको हल नहीं किया जा सकता, ऐसी पहेली के समान होती है पहली फिल्म, बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी। अब क्योंकि कोई भी फिल्मकार अगर पहली फिल्म बनाता है, उसको अनुभव नहीं है, पहली बार बना रहा है वो फिल्म, तो उसके मन में आशंकाएँ जो हैं घिरी रहती हैं कि वह फिल्म बन भी पाएगी या नहीं बन पाएगी। फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। अब देखिए, इसके माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि पहली बार अगर हम कोई कार्य करते हैं, जैसे कोई फिल्मकार है पहली बार फिल्म बना रहा है, तो उसका जो अनुभव संसार है इतना अधिक रोमांचकारी होता है कि उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों के समान वह भी हमेशा जीवंत बना रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। अब ये जो अनुभव संसार है उसमें दाखिल होना, उसमें प्रवेश करना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। तो अब है हमारे जो मूल अध्याय इसमें, अप्पू के साथ ढाई साल। तो ये पथेर पांचाली में से लिया गया है और इसके जो अनुवाद किया गया है विलास गीते द्वारा, जो कि हमने पढ़ा है अभी कि उन्होंने इसे भाषांतर में जो बांग्ला मूल से रूपांतरित किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो मूल अध्याय है अप्पू के साथ ढाई साल। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम ढाई साल तक चला था। अब देखिए, ढाई साल जो है अप्पू के साथ भी व्यतीत किए हैं, तो ये अनुभव पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि पथेर पांचाली जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो उसके अनुभवों के आधार पर ये लिखा गया है। इस ढाई साल के कालखंड में हर रोज़ तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। अब लेखक इसमें कह रहे हैं कि रोज़ाना तो शूटिंग नहीं होती थी, ढाई साल का कालखंड था, समय था, तो उसमें रोज़ाना शूटिंग नहीं होती थी। मैं तो एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था, नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। अब देखिए, ये कह रहे हैं लेखक इसमें कि मैं तो एक विज्ञापन कंपनी में जो है काम कर रहा था, लेकिन जब भी मुझे समय मिलता तो मैं जो है वो शूटिंग करता। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पैसे ख़त्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी। अब देखिए कितनी विकट परिस्थितियाँ हैं। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठे करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए एक 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। अब ये जो अप्पू है वो एक 6 साल का बालक है उस कहानी के अंतर्गत, तो 6 साल का जो लड़का वो मिल नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तिहार दिया। इश्तिहार उर्दू का शब्द है वैसे, विज्ञापन कहा जाता है। तो रासबिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था। अब भाड़े का मतलब किराए पर लिया था। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे, बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। अब क्योंकि फिल्म जो है, कोई फीचर फिल्म अगर बनाई जाती है
तो उसके पात्र के अनुसार ही व्यक्ति जो है होना चाहिए, कलाकार होना चाहिए, तो ही वह जो चरित्र है वो जीवंत हो पाता है। तो ऐसा ही इसमें बताने का प्रयास किया कि बहुत से लड़के आए थे इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ पे साक्षात्कार देने के लिए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज़ में वह बोला, टिया। अब ये टिया क्या नाम हो सकता है ना। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ ले आए हैं? वे सज्जन पकड़े गए। अब देखिए, वो पाउडर लगा हुआ था गले के, उस पर गर्दन के ऊपर लगा हुआ था। तो लेखक ने कहा कि मैंने पूछा कि क्या आप अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ लेके आए हैं क्या? तो वे सज्जन पकड़े गए, सच छिपा नहीं सके, बोले, असल में यह मेरी बेटी है। अब देखिए, अप्पू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवा कर आपके यहाँ ले आया हूँ। तो एक लड़की जो है वो आई है वहाँ पे साक्षात्कार देने के लिए, अप्पू की भूमिका के लिए। विज्ञापन देकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया, यानी कि बेहाल, बुरा हाल हो गया मेरा, क्योंकि विज्ञापन भी दिया और लड़के भी आ रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि 6 साल का बच्चा चाहिए था उसमें। तो अप्पू की भूमिका के लिए कोई भी जो लड़का है वो ठीक नहीं बैठ पा रहा था। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए। तो अब लेखक कहता है कि मेरी पत्नी ने मुझसे आके नीचे छत से आकर कहा कि पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए। तो आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही पथेर पांचाली में अप्पू बना। अब देखिए, पड़ोस में रहने वाला जो लड़का है सुबीर बनर्जी, वह ही पथेर पांचाली में अप्पू बना। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है। इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले नहीं था, इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा, लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। अब देखिए, लेखक के मन में एक दुविधा थी कि जो उसकी फिल्म में अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे हैं अगर ज़्यादा बड़े हो जाएं, क्योंकि 2-2.5 साल का समय और लगने वाला था, तो फिल्म में वो बड़े हो जाएंगे तो ऐसा दिखाई भी देगा। लेकिन लेखक कहता है कि मेरी खुशकिस्मती थी कि उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली 80 साल उम्र की चुन्नी वाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी, यह भी मेरे सौभाग्य की बात थी। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। अब देखिए, क्योंकि जो पहली बार फिल्म बनाई जाती ना, तो वह बचपन की स्मृति के समान हमारे सामने घूमती रहती कि कौन सी घटनाएं कब घटित हुई थी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ। तो उसी प्रकार से सत्यजीत राय जो है उनके सामने भी वे घटनाएं घटित होती रही हैं। तो वे बता रही हैं कि अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसिट नाम के गांव गई। अब पालसिट गांव का नाम है ये। अब कलकत्ता से 70 किलोमीटर के लगभग दूर था ये। वहाँ रेल लाइन के पास काशफूलों से भरा एक मैदान था। अब काशफूल जो है उनसे भरा हुआ मैदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। अब देखिए, ये 1955 के लगभग की बात है, उससे पहले की बात है ये। तो उस समय रेलगाड़ी जो है बहुत कम लोगों ने देखी थी, और अप्पू और जो दुर्गा हैं उन्होंने पहली बार रेलगाड़ी देखी है। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था, एक दिन में अपनी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था। नामुमकिन मतलब संभव नहीं था, कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगदात्री पूजा का त्यौहार था, जगदात्री जगदम्बा का था त्यौहार। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू। अब देखिए, इसमें पथेर पांचाली फिल्म का एक दृश्य भी दिखाया गया है इसमें। तो वर्तमान में कोलकाता है ये, कोलकाता में। तो काशफूलों के वन में पहुंचता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया। अब क्योंकि हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं और काशफूलों का वन है वहाँ पे, ये दुर्गा और अप्पू दौड़ते हैं,
और सुबह जो शूटिंग शुरू करने करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित कर लिया था। उसमें निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बोराए हुए ही थे। अब नवागत मतलब पहली बार यहाँ पे आए थे और बोराए हुए, पागलों जैसे हो गए थे। हमें पता ही नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुँचे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। लगा ये कहाँ आ गई। अब जिस जगह पहले 7 दिन पहले शूटिंग की थी ना, जहाँ पे काश फूलों का वन था और था, लेकिन अब 7 दिन बाद में जब वहाँ गए हैं तो उसकी स्थिति ही विचित्रित हो गई है, अलग हो गई है, सीन ही बदल गया है। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाई। लगा ये कहाँ आ गए हम, कहाँ गए वे सारे काश फूल। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काश फूल खा डाले थे। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता। उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। कंटिन्यूटी का मतलब है लगातार, एक जो कह सकते हैं अपने कि तरलता कह सकते हैं, लगातार उसमें चलने वाला जो सीन है वो नदारद हो जाता, दूर हो जाता। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में, जब फिर से वह मैदान काश फूलों से भर गया, तब की। अब देखिए कितना अधिक रुकना पड़ा उसके लिए। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चलता चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियाँ उस लाइन पर से जाती हैं, यह पहले ही टाइम टेबल देख कर जान लिया था। हर एक ट्रेन एक दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से भी रेलगाड़ी आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की कैबिन में चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी के शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना ज़रूरी था ताकि काला धुआं निकले। अब देखिए किस प्रकार से शूटिंग की जा रही है। और जो रेलगाड़ी जहाँ से निकलती थी तो अनिल बाबू जो इनके टीम के सदस्य थे वे भी इंजन ड्राइवर के पास चले जाते, उसके कैबिन में चढ़ते और शूटिंग की जगह के पास आते ही वॉयलर में कोयला डालना शुरू कर देते। पहले क्या है कि कोयले वाली जो हैं ट्रेनें चलती थी, ईंधन उसमें डाला जाता था ताकि काला धुआं निकले। सफ़ेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। पथेर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित नहीं कर पाते। अब देखिए लेखक कहते हैं कि आधुनिक समय में जो डीजल और बिजली से चलने वाले जो इंजन हैं तो उससे उस दृश्य को हम उस प्रकार से चित्रित नहीं कर पाते जैसा कि हमने उस समय किया था, पथेर पांचाली में किया था। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। अब देखिए आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो सत्यजीत राय स्वयं जो है एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे और जो भी पैसा वगैरह मिलता तो उसके बाद में वो जो फिल्म है उसमें शूटिंग वगैरह करते, उसमें वो पैसा लगाते थे। तो आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ। अब देखिए लेखक हमें एक उदाहरण और दे रहा है जिसमें कि वह आने वाले जो इस उपन्यास में जो अप्पू और दुर्गा हैं तो उनके पास में एक कुत्ते का भी उल्लेख किया गया है और एक कुत्ता जो गांव से वो प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार के आगे भी जो दृश्य हैं तो उनके उदाहरण भी लेखक देता है, लेकिन वो हम अध्ययन करेंगे भाग 2 के अंतर्गत कि किस प्रकार से क्या इनकी फिल्म जो है, जो दुविधा कह सकते हैं अपनी आर्थिक जो समस्याएं थीं तो क्या वे दूर हो पाती हैं नहीं हो पाती, और किस प्रकार से इनकी जो फिल्म है वो आगे बढ़ती है और किस प्रकार से वो फिल्म जो है पूर्णता की ओर बढ़ती है। तो ये हम अध्ययन करेंगे हमारा जो भाग 2 है उसके अंतर्गत कि
कि किस प्रकार से वे आर्थिक जो अभाव है उसको दूर करते हैं और किस प्रकार से ये जो है पथेर पांचाली जो फिल्म है वो पूर्ण होती है, और अप्पू के साथ में जो 2.5 साल व्यतीत किए हैं वो किस प्रकार से इनके लिए यादगार बन जाते हैं, तो ये पढ़ेंगे हम भाग दो के अंतर्गत। तो आज के लिए इतना ही, तो इसी के साथ ही मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।